हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ दीपांशु एंड वेलकम टू द लर्नोलॉजी कोडिंग। सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट के अंदर फंक्शन के थ्रू वैल्यू गेट कर सकते हैं, एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी रिपोर्ट को ऑब्जेक्ट बटन के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बटन के थ्रू प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बटन बनाएंगे अपने व्यू के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट बटन बनाएंगे। एंड उसको हम स्ट्रिंग दे देते हैं एक, प्रिंट स्टाफ डेटा टाइप, उसका ऑब्जेक्ट ही रहेगा और क्लास यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। और जो हमने यहाँ पर नेम के अंदर यूज किया है उस नाम का हम एक फंक्शन बना लेते हैं अपनी पीवाई के अंदर। यहाँ पर उस फंक्शन का नेम लिख लेते हैं एंड यहाँ पर हम सबसे पहले एपीआई डॉट मल्टी लगा लेते हैं क्योंकि रिपोर्ट हमारी मल्टीपल रिकॉर्ड को एक्सेस करती है। एंड अब हम इसके अंदर लिखेंगे रिटर्न सेल्फ डॉट ईएनवी डॉट ref, और ये एक तरह का ORM मेथड है जो कि हमने पहले यूज़ किया था ID रेफरेंस के लिए। तो हमने जो रिपोर्ट बनाई थी उसकी, जो रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए जो हम रिकॉर्ड यूज़ करते हैं उसकी ID हम यूज़ करेंगे। जो हमने यहाँ पर रिपोर्ट टैग के अंदर डेटा लिखा था उसकी हम यहाँ से ID यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे। और उससे पहले हम मॉड्यूल नेम लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर डॉट लगा देंगे और उसके बाद लिखेंगे डॉट रिपोर्ट अंडरस्कोर एक्शन एंड देन सेल्फ। मीन्स जब हम उस रिपोर्ट पर प्रिंट करेंगे तो ये टेम्पलेट कॉल होगी और ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं मॉड्यूल अपग्रेड करने के बाद फिर से, तो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बटन मिल गया प्रिंट स्टाफ डेटा, जब उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट प्रिंट हो गई हमारी, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट बटन के थ्रू भी रिपोर्ट प्रिंट करा सकते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।